भाई एक ने तो बॉडी बना नहीं मेरे को लग रहा है। नहीं देखो इतनी सारी खड़ी चढ़ाई है, बहुत अच्छी होती हैं। जिसने इनके पत्तों को भी खा लिया ना उससे पथरी निकल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपनी ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से, और हम आ रखे हैं इंडोर स्टेडियम, और वहाँ से हम जा रहे हैं बीचों बीच रांची स्टेडियम। तो हम दोनों आ रखे हैं, और यहाँ है घना जंगल, तो घना जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं हम, और रास्ता भी बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे, तो चलते हैं हम। गाइस ये है रास्ता, देखो जंगल के बीचों बीच, लेकिन रास्ता बहुत मस्त है। बैठ गए हैं यहाँ पे, चढ़ाई है ना काफ़ी, सीढ़ियाँ हैं, पीछे भी देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, मतलब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं नीचे से इंडोर स्टेडियम से और ऊपर तक। तो हमने थोड़ा बैठ गए, और यहाँ पे ना चीड़ के पेड़ बहुत सारे हैं। हाँ ये पिरुल है, देखो ये देखो ये रास्ते पे पराली ये पड़ी है, चीड़ के पेड़ का बनता है ये पिरुल, हवा से, हवा से गिरता है, इसमें अगर पैर रखा ना तो बहुत ज्यादा फिसलन होती है, गिरने का डर रहता है। तो सामने देखो इतनी सारी खड़ी चढ़ाई है और सीढ़ी सीढ़ी है, तो चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं आपको ऊपर पे। हाँ गाइस सामने ना देखो ऐसा व्यू है, घना जंगल दोनों साइड और बीचों बीच रास्ता, ये कैनियन है। और हम चलते चलते ना थक गए हैं, तो सांस भी फूल रही है। हरी घास देखो पूरा हरा भरा हो रखा है बरसात के टाइम, और गाय वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया हो गया है, जिनकी गायें होंगी उनके लिए घास देखो बहुत अच्छा है। और ये चले गए हैं ना काफ़ी आगे, देखो भाग रहे हैं, और मुझे डर भी लग रही है क्योंकि यहाँ ना बाघ बाघ का भी बहुत खतरा है, तो मैं भी तेज़ तेज़ ही भाग रही हूँ। और गाइज यहाँ पे सुसाइड पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे यहाँ के लिए बोलते हैं सुसाइड पॉइंट, और यहाँ पे ना क्या नाम लिखे हुए हैं देखो, बहुत सारे आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। देखो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा भी रहता है, ऊपर से भी दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ना सुसाइड पॉइंट से पीछे दिखता है गाँव उजाड़ी, ननकोट, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं पीछे, लोली की रोड, और यहाँ पुनोरी, पता नहीं बहुत सारे गांव हैं वो भी हैं पीछे की साइड, देखो यहाँ पीछे से दिख रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारी खेती भी है, और यहाँ पे भी ऐसा है देखो, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कोई, लेकिन लगभग यहाँ पर भीड़ ही रहती है सबकी, यहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं लोग। और सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान है, क्यों जा रहे हो, और वहाँ पे ना पत्थर चट्टा दिख रहा है इनको, और ये जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी चट्टान है, बस एक निकालना है, अरे एक निकाल के आ जाओ, बस पत्थर चट्टा ही आओ, हाँ बड़े हो गए नहीं, हाँ आ जाओ बस, इतने बहुत हैं, इतने बहुत हैं, इतने बहुत हैं, वहाँ पे ना इतनी बड़ी चट्टान है, इनको तो डर नहीं लगती है, और वैसे भी करना क्या हमने उनका, मुझे तो बहुत डर लगती है, और ये ज़बरदस्ती वाला गेम करते हैं, ये ज़बरदस्ती जाते हैं और लेके आ गए हैं, तो दिखाते हैं पत्थर चट्टा, यहाँ पे ना कितना घना जंगल है देखो, और चट्टान कितनी बड़ी थी वहाँ पे, ये देखो अगर कोई गिरे ना तो सीधे नीचे, बहुत बड़ी खाई है, सबसे नीचे बचने का तो कोई नाम ही नहीं है। और ला रहे हैं अभी, हाँ फ्रेंड्स ये लेके आ गए ना पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा आपको पता है इसके जो पत्ते होते हैं, जड़ होती है ना, बहुत काम आती हैं, और पथरी के लिए तो ये रामबाण इलाज है, जिसको पथरी होती है ना किडनी में या किडनी में और पित्ताशय में, हाँ तो ये बहुत अच्छी होती हैं, जिसने इनके पत्तों को भी खा लिया ना उससे पथरी निकल जाती है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं निकल जाते हैं, हल्के हल्के गल जाते हैं, मतलब काफी फायदेमंद होते हैं। तो गाइस मुझे तो सिर्फ इतना पता था ना कि ये इससे पथरी ठीक होती है, पथरी निकल जाती है आसानी से, क्योंकि अच्छा बताया जाता है इसको, पत्थर चट्टा से ना पथरी निकल जाते हैं ये पुराने लोग भी बोलते हैं, और मैंने भी इसको ट्राई किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, औषधि बोल सकते हैं इसको कि बहुत अच्छी औषधि है, लोग तो काफ़ी ले जाते भी होंगे, हम भी गए थे जब हमें ना किडनी में स्टोन बन गए थे, हम भी इधर उधर से पत्थर चट्टा लाए थे, और पत्थर चट्टा खा के हमको काफ़ी फ़ायदा मिला उससे। और यहाँ से सामने का व्यू देखो, ये है ये रोड भी पुरानी कहाँ जा रही है, तो फ्रेंड्स काफ़ी बैठ गए हम यहाँ पे, अब चलते हैं नीचे इंडोर स्टेडियम, और वहाँ से हम खुशी को लेके फिर घर चलते हैं, तो फिर बता, मैंने अंडे बहुत खाओ यार
अरे खा रहे अंडे ले जा रहे हैं सावन के महीने में। भाई एक ने तो बॉडी बना नहीं मेरे को लग रहा है। यस भाग गए होते इस तीस। तो गाइस यहाँ पे ना अंडे ले जा रहे थे सावन के महीने में, ये दो लेबर काम करते ना ऊपर पे, और उनको कितनी शर्म आ रही थी, कैसे भाग रहे थे वो फट फट से, अंडे की पूरी ट्रे ले जा रहे थे वो। उसे खाना नहीं चाहिए ना इस महीने। तो फ्रेंड्स आ गए हम इंदौर में, और यहाँ पे ये चले गए हैं फिर से जिम में। तो गाइस आ गए हैं हम घर, और अभी बज रहे हैं शाम के 7, और ना हम आज चाबी ले जाना भूल गए नीचे गेट की, तो हमें इतनी बड़ी बड़ी घास से रास्ता नहीं था वहाँ से आना पड़ा, और खुशी को रोना आ गया, उसके पैरों में ना घास से कट सा गया है, चाबी ले जाना भूल गए ना। तो बनाएंगे शाम की चाय, फिर बनाएंगे खाना। तो खाना में क्या बनाते हैं देखते हैं अभी। तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।